बैंकिंग के और भी साधन हैं, लेकिन हर साल 31 तारीख को बैंक रात 8 बजे तक खुले रहते हैं ग्राहक की सुविधा के लिए। इसकी तारीफ कोई नहीं करता। ये एक बात साबित करता है कि आज भी इंसान में सिर्फ बुराई देखने की क्षमता है। अखबारों में ये बड़े बड़े शब्दों में छपता है कि फलाना बैंक के फला शाखा में फ्रॉड हुआ, लेकिन कोई भी अखबार ये कभी नहीं दिखाता कि किसी कैशियर को 1 लाख की पेमेंट करनी थी, उसने गलती से 20,000 की नोट की गड्डी ग्राहक को दे दी और ग्राहक ने लौटाना मुनासिब नहीं समझा और फाइनली कैशियर को मजबूरन अपनी जेब से 1 लाख की रकम भरनी पड़ी। टीवी में, न्यूज में, हर जगह यही दिखाया जाता है कि बैंक 4 दिन तक लगातार बंद रहेंगे, लेकिन इंटरनेट, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, भीम ऐप और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनसे आप बैंकिंग कर सकते हैं। अच्छा, लोगों को सिर्फ बैंकिंग से ही दिक्कत है, रेलवे वगैरह से ऐसा नहीं कि सरकारी डिपार्टमेंट, अदर डिपार्टमेंट से भी बहुत दिक्कत हो। हमारे इंडियन रेलवे की गाड़ियां 24 घंटे लेट आती है। अगर कभी आपको लगे कि आपकी ट्रेन बिल्कुल सही टाइम पे आई है तो एक बार चेक कर लेना बैक गेट में जाके, हो सकता है वो 24 घंटे लेट हो और पुरानी ट्रेन हो। पर नहीं, आम जनता को इससे कोई आपत्ति नहीं। हमारे देश में शिक्षा का स्तर बहुत नीचे है, फीस ऊपर जा रही है, इससे भी लोगों को कोई आपत्ति नहीं। जो लेटर उनके पास 2 दिन पहले आ जाना चाहिए था वो इंडियन पोस्ट में हॉलिडे की वजह से 2 दिन देरी से आया, इस पर भी कोई आपत्ति नहीं है। आम जनता को इससे कोई आपत्ति नहीं है कि जब वो 10 का सिक्का दुकानदार को देता है और दुकानदार नहीं लेता, दुकानदार 10 का सिक्का ना ले तो ठीक है, बैंक वाले ना ले तो लिखित में मांगते हैं। अरे भाई, इतना ही है तो दुकान वाले से मांगो ना लिखित में। लेकिन लोगों को इस बात से आपत्ति है कि बैंक वाले दोपहर को भोजन क्यों करते हैं। लोगों को इस बात से आपत्ति है कि बैंक वाले शाम कैश बंद होने के बाद भी कैश क्यों नहीं देते। लोगों को इस बात से आपत्ति है कि चेक पे अमाउंट में 7,000 और शब्दों में 70,000 लिखा है तो पेमेंट क्यों नहीं हो रही। अगर आप लोगों को इतनी आपत्ति है तो बैंक में खाता खुलवा के मोबाइल बैंकिंग, ATM, इंटरनेट बैंकिंग ले लीजिए। पैसे निकालने तो ATM जाइए, NEFT, RTGS करनी है तो इंटरनेट बैंकिंग करिए, बैलेंस चेक करना है तो मोबाइल बैंकिंग या इंटरनेट बैंकिंग करिए, पासबुक की जगह इंटरनेट बैंकिंग से स्टेटमेंट निकालिए। और अगर आप ये दलील देते हैं कि हर बंदा ये सब नहीं कर सकता तो मैं आपको बता दूं, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग फेसबुक चलाने से भी आसान है। जहां समस्या है वहीं समाधान है। ये अपडेट किया है मेरे फेसबुक पर एक बहुत ही जहीन दोस्त स्कंद प्रताप ने, जो कि एक बैंक का कर्मचारी है, और वो लोगों से यकीनन कह सकता है कि बोल वो रहे हैं पर शब्द हमारे। आप सुनते रहिए FM बोले तो रेडियो सिटी 91.9 FM। मेरा नाम गगन है, रग रग बांगरा सिटी, यहाँ पर अच्छी चीजें शेयर की जाती है।